एक बात पूछूं, क्या तुम्हारे भी चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है? जबकि तुमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और अब थक चुके हो या डीमोटिवेट होने लगे हो, जबकि वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे नए यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जिन्होंने कुछ वीडियोस अपलोड करके अपने चैनल को ग्रो कर लिया है और अर्निंग भी शुरू कर चुके हैं। देखने और सुनने में तो ये आसान लगता है, पर ये सच है कि यूट्यूब चैनल को ग्रो और सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और उन यूट्यूबर्स के बीच में अपने चैनल को स्टैंड आउट कराना वो तो और भी ज्यादा मुश्किल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सक्सेसफुल यूट्यूबर्स के पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वो नहीं बताते? वो कौन से सीक्रेट्स हैं? रुको, मैं बताऊंगा ना। अब इसमें 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, वैल्यूएबल प्रोवाइड, एंड सेकंड, एक्सपेक्टेशन सरपेस। तो इसके लिए पहले वैल्यूएबल प्रोवाइड को समझना होगा। जब हम यूट्यूब पर कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट अपने कॉन्टेंट को रिलेवेंट रखना होता है। अपने व्यूअर्स के इंटरेस्ट को समझना होगा, उनके फेवरेट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाना है, चाहे वो वीडियोस उनके फ्यूचर में क्यों ना काम आए, लेकिन हम उनके लिए वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करने से उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। इससे हमारा ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ता है और वही ऑडियंस आपके सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे। और तुम्हें इस वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा जिसकी तुम्हें अपनी हर वीडियो में जरूरत पड़ेगी। अब सेकंड पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन सरपेस। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, व्यूअर्स के एक्सपेक्टेशन को समझना और उन्हें फुलफिल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए तुम सिंपली अपनी कैटेगरी से रिलेटेड बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो को देख सकते हो। किस वीडियो टॉपिक पर मोस्ट व्यूज हैं, यानी ऑडियंस उसे ज्यादा पसंद कर रही है, क्योंकि ऑडियंस को उसकी नीड्स है। तो अगर हम उनकी एक्सपेक्टेशन को सरपेस कर देते हैं तो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। अब जैसे मेरी इस वीडियो का एनालिटिक्स देखो, इस वीडियो पर 500,000 के करीब व्यूज आए हैं, क्योंकि इस वीडियो की ऑडियंस को जरूरत थी, और इसी वीडियो से मुझे 1.8 के सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं और वॉच टाइम 5.8 के। जब तुम भी उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने लगोगे तो आपके भी सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम एक ही वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप जब भी कभी वीडियो बनाओ तो कोशिश करो आपके प्रीवियस वीडियो से मैच करे, बिकॉज ऑडियंस को समझ ही नहीं आता जब हम कोई भी वीडियो कभी भी बनाकर अपलोड कर देते हैं। तो टिप ये है, आपको अपने ऑडियंस को फीडबैक देने के लिए मजबूर करना है। जैसे कि आप पूछ सकते हैं आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स कितने हैं, कमेंट में लिखो, और वीडियो के एंड या फिर कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछ सकते हो कुछ टॉपिक, और जिस पर भी डिमांड सबसे ज्यादा आए, यानी उस टॉपिक पर ऑडियंस की डिमांड है और उस टॉपिक पर सबसे पहले आप वीडियो बना देते हो और उस वीडियो में उन पॉइंट्स को कवर कर देते हो जिनकी उन्हें जरूरत है, तो ऑडियंस को एक सेकंड नहीं लगेगी आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो अब ये तो पता चल गया व्यूअर्स को क्या चाहिए और किस टॉपिक पर वीडियोस बनानी है और किन पॉइंट्स को उस वीडियो में कवर करना है। लेकिन अब उस वीडियो पर परफेक्ट और अच्छा एसईओ करना होगा। लेकिन एसईओ कैसे करें, इसके लिए आप सिंपली इस वीडियो पर टैप करके देख सकते हो। देख लो, वरना पछताओगे कि ग्रो स्टेप भाई मेरे व्यूज ही नहीं आए। रुको, व्यूज तो आ जाएंगे लेकिन उस तरीके से नहीं आएंगे जिस तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आएंगे। अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो, आप भी कमेंट में फीडबैक दो, आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। अब इस वीडियो का 200 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, देखते हैं आप कंप्लीट कराते हो या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।